कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जबलपुर जिले में बढ़ता चला जा रहा है। पिछले दिनों जहां 4 संक्रमित मरीज पाए गए थे, रविवार की देर रात मरीजों की संख्या बढ़ गई है। एक और संदिग्ध मरीज का टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस हिसाब से शहर में कुल मिलाकर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5 हो गई है। देर रात को ICMR लैब से 22 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट आई, जिसमें से 21 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई और एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह मरीज कोरोना संक्रमित मुकेश अग्रवाल के शोरूम का कर्मचारी है। चिकित्सकों ने इसे घर में ही आइसोलेट कर घर में रहने की सलाह दी थी। जैसे ही इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पुलिस को मरीज के बेलखेड़ा गांव भेजा और उसे वहां से उस मरीज को सबसे पहले जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक बार फिर उसकी जांच की। इस दौरान हालांकि अभी उसे कोई तकलीफ नहीं पाई गई है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमित होने की वजह से उसे तुरंत बंद एम्बुलेंस में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जबलपुर जिले के CMO डॉक्टर मनीष मिश्रा का कहना है कि मरीज घर पर ही पूरी तरह से आइसोलेटेड था और किसी के संपर्क में नहीं था, इसलिए कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की आशंका उस जगह पर नहीं है। फिर भी सावधानी बरती जा रही है। मेडिकल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 5 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज जबलपुर जिले में मिलने से जिला डेंजर जोन में है। ऐसे में सतर्कता ही बेहद जरूरी है। वही मरीज है जो काम करता था अग्रवाल जी के यहाँ, और उसको जो है हमने होम आइसोलेशन कर रखा था। हमारे रेगुलर कॉन्टैक्ट में था, हमारे बुलाने पर तुरंत आ गया और हमने उसको मेडिकल कॉलेज ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, पेशेंट को कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है पेशेंट। जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।